मेरे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत एक बार स्वागत। तो आज जो है संडे है और संडे के दिन जो है मेरी सब्जियां पूरी खत्म हो जाती है, आपको भी दिक्कत कभी कभी पड़ती होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा कढ़ी बिल्कुल ढाबा स्टाइल, और ये बनाने में एकदम झटपट बन जाती है और बिल्कुल टेस्टी बन जाती है। तो चलिए हम ढाबा स्टाइल एक कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ उबले हुए एग ले लिए हैं और इनका छिलका अच्छे से निकाल लिया है, और मैंने यहाँ 7 एग ले लिए हैं। अब हम इसको बीच में से हल्का सा कट लगा लेंगे। हम जो मसाले लगाते हैं ताकि उसका फ्लेवर अंदर तक जा सके, इसलिए मैंने एग को हल्का सा कट कर लिया है। मैंने यहाँ 1 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, और हमें इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है और इनको हल्का सा हल्के हाथों से इनको मिक्स करना है। हमें इसे चम्मच से बिल्कुल नहीं हिलाना है क्योंकि हमने जो बॉईल किया एग है वो टूट जाएंगे, इसलिए हमें हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। हमें एक करी के लिए मैंने यहाँ कुछ खड़े मसाले ले लिए, लवंग, तेजपत्ता, दालचीनी, शाही जीरा, काली मिर्च, अगर आपके पास हरी इलायची है वो भी आप डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं इसलिए मैंने नहीं स्किप कर दी है। और मैंने यहाँ अदरक का पेस्ट भी ले लिया है, और मैंने यहाँ एक प्याज है इसको चॉपली कट कर लिया है, ये सूखा नारियल है, और इनको हमको अच्छे से फ्राई करना है खड़े मसालों के साथ और इनका माहिम सा पेस्ट बनाना है। मैंने यहाँ 2 टमाटर ले लिए है और हमें इसकी भी फ्यूरी बना लेनी है। सुनो सुनो, क्या आपने अब तक धारम कुकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। आपको चटपटी रेसिपी देखनी है ना तो हमारे बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है और मेरा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। हमने जो एग को मसाले लगा लिए है अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, और देखिए मैंने एग को अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमने जो मसाले लगा लिए है इसे अच्छे से एग के साथ मिक्स हो सके, इसलिए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। एग को ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हल्का सा 1 मिनट ही फ्राई कर लेना है। और देखिए हमारे एग फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। अब हम उसी कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे, और मैंने यहाँ 1 चम्मच राई डाली है, 1 चम्मच जीरा, और इसे चटकने देंगे। और मैंने यहाँ टमाटो फ्यूरी बनाई थी वो भी इसमें डाल देंगे। और हमारा टमाटर अच्छे से नरम पड़ सके तब तक हमें इसे पका लेना है, और जैसे हमारा टमाटर ऑयल छोड़ने लगेगा हमें इसमें अदरक पेस्ट डालनी है और इसे भी अच्छे तरह फ्राई कर लेना है। और मैंने इसमें तेज पत्ते भी डाल दिए हैं अदरक लहसुन पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई हो सके, और देखिए हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैंने यहाँ मिर्ची पाउडर डाली है 2 चम्मच, गरम मसाला और धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर भी डाला है मैंने इसमें, और हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने जो खड़े मसाले रोस्ट कर लिए इसका मैंने माहिम सा पेस्ट बना लिया है, अब ये पेस्ट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे भी हमें अच्छे से 2 मिनट फ्राई करना है ताकि ये जब तक हमने इसमें सूखा नारियल वो डाला है वो ऑयल अच्छे से छोड़ने लगे तब तक हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ,
आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा थिक चाहिए तो आप कम पानी डालिए, और आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए। मैंने पानी इसमें एक गिलास ही डाला है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डाला है। फ्राई किए अंडे इसमें छोड़ दिए हैं। अब मैं इसे अच्छे से 5 मिनट अच्छे से पकने दूंगी। 2-4 मिनट अच्छे से पकने दिया है जो हमारी ग्रेवी है एग में अच्छे से जा सके। 3-4 मिनट मैंने ढक्कन लगा के अच्छे से पकने दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा धनिया डाल दूंगी, और देखिए हमारी एक करी एकदम बन गई है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, और अब चलिए हम अब प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपको एक करी चावल के साथ पसंद है तो आप चावल के साथ खा सकते हैं, या चपाती के पसंद है तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं। तो देखिए मैंने एक प्लेटिंग कर ली है। अब देखिए मेरी एक करी बिल्कुल ढाबा स्टाइल लग रही है ना, बिल्कुल टेस्टी टेस्टी यमी यमी। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी है एक करी बनती है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, और मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।